हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है फोर्स, जिसमें हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है? तो देखिए, फोर्स एक पुश और पुल है जिसको हम फोर्स कहते हैं। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज फोर्स। तो एक तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का पुश या पुल जिसको हम कहते हैं फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, m इंटू ए। यहाँ पे m क्या है, मास है, और a क्या है, एक्सीलरेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो एस आई यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या है, एस आई यूनिट क्या है, तो यह है न्यूटन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फोर्स की एस आई यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, वो है न्यूटन। देखिए, यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे कि इसके अलावा, ऐसा यूनिट के अलावा डाइन, पॉन्डल, पौंड, फोर्स, केप और किलो पौंड, ये सारे हमारे फोर्स के ही अलग यूनिट है। ठीक है, न्यूटन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, केजी एम पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज। यानी कि अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करता है तो उसकी क्या क्या चीज़ चेंज कर सकता है, तो इसकी डायरेक्शन, इसकी शेप, इसकी स्पीड, तो ऑल ऑफ दी एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन के अलावा इसकी शेप साइज को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की, इसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, और इसकी इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड, यानी कि इसकी अगर स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मूव कर सकता है, अगर मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट पे ला सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखेंगे फोर्स के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। पर यूनिट एरिया में अगर कोई फोर्स काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रेशर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय। तो फोर्स की डेफिनेशन किस, न्यूटन के कौन से लॉ में दिया गया है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में दिया गया है फोर्स की, एक तरह से डेफिनेशन इनकी डिफाइन किया है एक तरह से। ठीक है, अब न्यूटन की फर्स्ट लॉ होती क्या है, तो देखिए कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। अगर कोई वस्तु मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करती रहेगी, अगर वो स्थिर है, रेस्ट पे है, तो वो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स काम ना करे। ठीक है, तो ये हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ टू पुल एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। यानी कि अर्थ अगर अपनी ओर कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, खींचती है, ठीक है, कि अर्थ के द्वारा कोई बल लगाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेस पे हम कौन कौन से फोर्स के टाइप्स होते हैं, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों ही होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या। देखिए, फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी ईदर डायरेक्टली और थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, इसी तरह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, द फोर्स दैट एक्ट थ्रू स्पेस विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कोई भी चीज़ अगर बिना छुए है और बिना कॉन्टैक्ट के अगर कोई फोर्स एक्ट करता है तो उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखिए, यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में न्यूक्लियर फोर्स भी आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस के यहाँ पे कौन कौन से टाइप होते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस, टेंशन फोर्सेस, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। इसके अलावा कुछ और कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं जैसे अप्लाइड फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ये सारे हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, मस्कुलर फोर्स को हम और कौन से फोर्स के नाम से जानते हैं, तो इसको कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, विच फोर्स कॉजेज अ चार्ज्ड बलून टू अट्रैक्ट अनदर बलून, यानी कि कोई भी अगर बलून चार्ज दे तो वो दूसरे बलून को अट्रैक्ट करता है, तो इसका कौन से फोर्स के अंतर्गत आता है, तो ये क्या होगा, ये एक तरह से हमारे कॉन्ट्रैक्ट फोर्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज आर कॉल्ड, तो दो बॉडी चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स काम करता है वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑप्शन नंबर हमारे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय, तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, व्हेन टू फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड पोजेसेस इक्वल मैग्नीट्यूड देन फोर्स, देन दीज फोर्सेस आर कॉल्ड, तो देखिए यहां पे कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है और उनकी इक्वल मैग्नीट्यूड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। देखिए अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, तो देखिए अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, द अनबैलेंस फोर्स कैन बी डिफाइन एज व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी आर अनइक्वल साइज, तो ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, तो अगर कोई भी पत्ता ऊपर पेड़ से नीचे की ओर गिरता है तो ये किसके कारण गिरता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। अपने न्यूटन के लॉ में देखा होगा कि एप्पल ऊपर पेड़ से नीचे गिरता है, तो सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कर्विलिनियर मोशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर कोई भी अगर फोर्स अगर वो सेंटर की ओर काम करता है एक कर्व में अगर मोशन करते हुए, तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक और दूसरी तरह की फोर्स होती है जो अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अगर भी कोई भी बॉडी एक तरह से एक सर्कुलर मोशन में वो करती है, मूव करती है, और उसका जो डायरेक्शन होता है फोर्स का वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, व्हेन द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंट ऑफ हैमर, तो एक तरह से कि घंटी की जो हम देखते हैं घंटा जिसको हम बजाते हैं वो एक तरह से हम देखें किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल्ड कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जब भी हम देखो गर्मियों में कई बार हम ये देखते हैं कि जब बाल को हम कॉम्ब करते हैं तो उसमें एक फोर्स वहाँ पे बाल अलग अलग दिशा में जाते हैं एक तरह से, वहाँ पे कौन सा काम करता है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, जो एक तरह से दोनों उसके बीच में होता है, एक तरह से आवेश होता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक टाइप के वो चीज़ें दिखता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू ऑब्जेक्ट रिपील ईच अदर द रिपल्सन कुड बी ड्यू टू, तो रिपल्सन यहाँ पे किसके कारण होता है, दो ऑब्जेक्ट अगर रिपील करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ईदर अ मैग्नेटिक और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये बता रहे हैं कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज आपस में कोई चीज फ्रिक्शन होता है, टकराते हैं तब जाके वो बल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, तो
तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब इसमें कैसे, एक तरह से जो फोर्स होगा नेट फोर्स वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, एंड दोनों भी दो बलों का, दोनों फोर्स का डिफरेंस जो होगा वो हमारा नेट फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स, दिस इज बिकॉज ऑफ। तो देखिए कि अगर कोई बॉल रोल कर रहा है और ग्राउंड पे और वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है और स्टॉप होता है, तो ये फ्रिक्शन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन शैल बी। तो देखिए ये क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। ठीक है, जब भी किसी चीज पे, ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फ्रिक्शन होता है तो वो परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन होता है मोशन के। अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। व्हेन टू टीम्स आर पुलिंग अ रोप एंड द रोप डज नॉट मूव टुवर्ड्स एनी टीम, इट इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों तरफ से अगर दो लोग अलग अलग टीम एक रोप को खींच रही है, तो उसमें जो क्या हो रहा है कि वो रोप जो है कोई भी किसी तरह की किसी और मूव नहीं कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि द सेम फोर्स, इक्वल फोर्स बींग अप्लाइड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स यहाँ पे कौन सा है, तो फोर्स एग्जर्टेड बाय मैग्नेट, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेट जब होता है वो एक दूसरे को टच नहीं करता, इसलिए इसको नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी क्या होता है, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ग्रेविटी कैसा फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश डैश इज द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स। तो हमारे मसल के कारण जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ्ड देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। तो ये बिकम्स कितना, यानी कि अगर हम डिस्टेंस कम कर देंगे, अगर आधी कर देंगे, तो फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट के दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, वो फोर टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड ऑन कर्व्स सो दैट, अगर वो बैंक्स अगर वहां पे काम कर्व होगा तो इसमें क्या होगा, तो ये देखिए कि इसका नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मे बी ऑपरेट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द ट्रेन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा दो सरफेस के बीच में, तो वो क्या होगा, रिमेन सेम, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शनल फोर्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। द बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्योंकि ग्राउंड और जो रोलिंग जो बॉल है वो एक तरह से कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो इसलिए एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स चेंजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी हमने पहले देखा स्पीड था, वहाँ पे हम उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं उसके साइज को, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड में चेंजेस ला सकता है फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन सेम डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू फोर्सेस। देखिए पहले क्या था, वो डिफरेंट डायरेक्शन में था, यहाँ पे कह रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ द टू फैक्टर्स हो जाएगा, यानी कि दोनों जो हमारे फैक्टर्स है दोनों फोर्स क्या होगा, उनका सम के बराबर हमारा नेट फोर्स होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, दोनों फोर्सेस के सम के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन हमें हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज अ, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या होगा, नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस के बराबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वॉशिंग मशीन इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच फोर्सेस। तो वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल काम करता है, कौन से उस पर, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में क्या होता है कि सेंटर से जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो सेंटर से उसकी दिशा अलग होती है, अवे होती है, तो जो हमारी कपड़े की जो मैल होती है वो हमारे सेंटर जैसे घूमती है तो उसके अवे जाती है, इससे हमारा कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन नॉट चेंज्ड बाय फोर्स, कौन सी चीज हम चेंज नहीं कर सकते हैं फोर्स के द्वारा, तो वो है नेचुरल सब्सटेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नेचर सब्सटेंस को हम चेंज नहीं कर सकते फोर्स के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द एक्ट एंड रिएक्शंस, द एक्शन एंड द रिएक्शंस फोर्स इन्वॉल्व इन न्यूटन्स थर्ड लॉ विच इज, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या काम करता है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इन्वॉल्व इन न्यूटन्स थर्ड लॉ विच इज मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होना चाहिए कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम होना चाहिए, ये न्यूटन की थर्ड लॉ ये कहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी देन व्हाट क्वांटिटी डज नॉट चेंज, तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे चेंज नहीं होती है जब अनबैलेंस होता है, तो ये इसकी मास चेंज नहीं होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने हमेशा बताया कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ हमने यहाँ पे पढ़े हैं उसका यहाँ पे आप क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज अ पुश और पुल, ठीक है, एसआई यूनिट में फोर्स की यहाँ पे यूनिट क्या है, तो वो है न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट मे चेंज, यहाँ पे वहाँ पे स्पीड है, डायरेक्शन है, उसकी जो है मास है, उसकी साइज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, ठीक है, तो डेफिनेशन दी गई है फर्स्ट लॉ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो हमारी अर्थ के द्वारा एग्जर्ट की जाती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, दैट इज द ए एंड बी, उसमें यहाँ पे दिया हुआ था हमारा कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेज, ठीक है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेज। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेज, तो देखिए नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेज में हमने वहाँ पे देखा था कि जो भी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इवन जैसे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये हमारे क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेज हैं, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेज, जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में आती है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेज कहते हैं, जैसे हमारे फ्रिक्शन फोर्सेज हो गया, हमारे स्प्रिंग फोर्सेज हो गया, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेज कहलाते हैं। मस्कुलर फोर्सेज नोन एज, ये कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, तो ये भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेज के अंदर आता है मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच फोर्सेज कॉजेज द चार्ज बलून टू अट्रैक्ट अनदर बलून, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेज, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो एक्सप्रेस करती है, ठीक है, व्हेन टू बॉडीज आर अपोजिट डायरेक्शन पोजेसेस इक्वल मैग्नीट्यूड देन दीज फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस, ठीक है, और ये जब अपोजिट होती है इसके तो उसको हम अनबैलेंस कहते हैं, ठीक है। लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मैंने बताया कि कोई भी पत्ता अगर पेड़ से गिरता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन कर्विलिनियर मोशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एक्सिस रोटेशन और सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर की ओर होती है, इसके अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हेन द हैमर स्ट्राइक्स ऑन गोंग ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ हैमर, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट फोर्स रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू दिस, तो यह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर दिस रिपल्शन कुड बी ड्यू टू ईदर द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ द टू फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट डिफरेंस बिटवीन ऑफ द टू फोर्सेज, ये हमारा इसका नेट फोर्स होता है, ठीक है। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोस डाउन
एंड फाइनली स्टॉप इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, फोर्स ऑन फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन शैल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन टू टीम्स आर पुलिंग अ रोप एंड द रोप डज नॉट मूव टुवर्ड्स एनी टीम इट इम्प्लाइज दैट इक्वल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से एक जैसा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस. तो ये फोर्स एग्जर्टेड बाय मैग्नेट हमारा क्या होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस होते हैं. व्हाट इज ग्रेविटी, तो देखिए ग्रेविटी क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डैश डैश इज द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स. मसल के द्वारा हमारा मस्कुलर फोर्स हमारा काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ्ड देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स फोर टाइम्स होता है. अगर हम यहाँ पे जो डिस्टेंस को कम कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो उसकी जो उसकी फोर्स क्या होगा, फोर टाइम्स हो जाएगी. ठीक है, देखिए रेलवे ट्रैक आर बैंग ऑन द कर्व्स सो दैट नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द ट्रेन. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू फोर्सेस दैट रिमेन सेम. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज. ठीक है, बॉल अगर रोल कर रहा है ग्राउंड पे तो वो एक कॉन्टैक्ट फोर्सेज, क्योंकि बॉल और ग्राउंड हमारे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. अगला क्वेश्चन है फोर्स चेंजेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या चेंज करता है, स्पीड को चेंज कर सकता है. ठीक है, वेन टू फोर्सेज एक्ट इन सेम डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू फोर्सेज सम ऑफ द टू फोर्सेज के बराबर होगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है. ठीक है, क्योंकि इसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच फोर्स. तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के ऊपर काम करता है वॉशिंग मशीन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट चेंज बाय फोर्स. तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस इसको चेंज नहीं करता है फोर्स. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज इन्वॉल्व इन न्यूटन्स थर्ड लॉ विच इज मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, ध्यान रखेंगे थर्ड लॉ डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम करता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइज्ड टू अ बॉडी देन व्हाट क्वांटिटी डज नॉट चेंज. तो क्या चीज चेंज नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे मासेस चेंज नहीं होती है, मास चेंज नहीं होती. ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो. कैसा लगा वीडियो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए वंडरफुल डे अहेड.